लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले और 10 लाख की लूट में संलिप्त अपराधियों को कट्टा एवं गोली के साथ मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिटी न्यूज टू डेलाइट में आपका स्वागत है। दिनांक 1 मार्च 2022 को गश्ती के दौरान संध्या के समय चन्ही चौक के करीब 300 मीटर पूर्व अंडा कार्टून फैक्ट्री के पास मोटरसाइकिल पर बैठे 4 व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से लोडेड देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस तथा बिना नंबर का एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। प्रशासन द्वारा जांच करने पर 3 अपराधी मोतीपुर थाना क्षेत्र और 4 अपराधी बरुआस थाना क्षेत्र का पाया गया। वहीं अपराधियों ने लूट की बात को स्वीकार किया। मौके पर राजकुमार थाना अध्यक्ष, बरुआस थाना एवं बरुआस थाना सशस्त्र बल समेत अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे। इस पूरे घटना की जानकारी प्रेस वार्ता कर अभिषेक आनंद पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी मुजफ्फरपुर ने दिया। देखिए ये रिपोर्ट। उस दौरान एक बाइक पे 4 लड़के दिखे पुलिस को, पुलिस ने उनको रोका। रोकने पे वो लोग भागने का प्रयास किए, जिसको पुलिस ने पकड़ा। और पकड़ने के बाद उन चारों को चेक किया गया, पकड़ा गया, तो उनके पास से 2 कट्टा, उसके अलावा 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ। और इन चारों से उसके बाद गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग छीना झपटी और लूटपाट करने के ख्याल से वहाँ पे थे। और इनमें से 3 लोगों ने पहले भी बर्राज में जो एक सुनार के साथ जो लूट घटना घटी थी उसमें अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। उसमें उन्होंने एक उजले रंग का अपाचे यूज़ किया था और कल ये लोग एक शाइन मोटरसाइकिल पे थे जब भी इन्हें पकड़ा गया। अभी पूछताछ में इन बातों पे तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चला, पर ये है कि ये लड़के जो हैं इसमें से कुछ बरुराज के हैं, कुछ मोतीपुर के हैं। और ये गिरोह तो अभी अंतर जिला गिरोह तो नहीं निकल के आ रहा फिलहाल, बट हाँ ये लोग लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। और इन्होंने और किन घटनाओं को अंजाम दिया इसके लिए हमने अन्य थानाओं को भी बता दिया, वो लोग आके अपना इसमें देख लेंगे अगर उनके यहाँ इन्होंने कोई घटना किया। लूटपाट के दौरान क्या ये लोग गोली भी चलाते हैं? अब इन्होंने कट्टा तो रखा था, वो भी लोडेड रखा हुआ था, तो उम्मीद की जा सकती है कि अपने बचाव में कभी ये गोली चला भी सकते हैं। ऐसे पहले भी घटनाएं हुई हैं। आपराधिक इतिहास है ये लोग का? नहीं, अभी तक तो इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उस एक मेजर घटना जो घटा था 10 लाख की घटना हुई थी, जी जी जी, उसने अपने स्वीकार की है, तो कहीं ना कहीं आपराधिक इतिहास अब तो बन ही जा रहा है। देखिए अब ये क्लियर तो नहीं है कि ये लोग हथियार यहाँ से लेते हैं या बाहर से लेते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि एक गिरोह दूसरे गिरोह को हथियार भी दे देता है कि आप घटना कारित करो फिर हम लोग भी यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ पे अभी पूछताछ हो रही है। बेसिक सोर्स ऑफ हथियार तो अभी नहीं पता चला है, बट ये है कि हथियार था इनके पास, वो भी लोडेड था।